Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक जो unconscious यानी back कहीं mind में पीछे कहीं अनजाने में बैठा हुआ है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कामयाब बनना है, जब तक आप उसको सामने नहीं लाओगे जानबूझ करके या जागरूक होकर के, तब तक जो बाकी करंट प्रोग्रामिंग से आपकी जिंदगी है वो चलती रहेगी और फिर आप उसे मुकद्दर या किस्मत का नाम देंगे। इस तरीके से अगर आप देखें, हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट हैं। ऑटो पायलट का मतलब क्या है? एरोप्लेन के अंदर में एक मोड होता है जिसे कहते हैं ऑटो पायलट। जब एरोप्लेन एक बार अपनी उड़ान भर ले, उसके बाद अगर पायलट ऑटो मोड पे प्लेन को डाल दे तो वो मशीन स्वतः ही प्लेन चलाती रहती है। तब वो उसे छोड़ करके घूम सकता है, बाथरूम जा सकता है या छोड़ सकता है 10-15-20-25 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो हम में से अधिकतर लोग की ज़िंदगी जो है वो ऑटो पायलट मोड पे है। हमने सिर्फ इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि अगर हम चाहें तो अपने जीवन का खुद का कंट्रोल अपने हाथ में स्वयं ले सकते हैं। नोइंग वॉट यू वॉन्ट, ये जानने से कि आपको क्या चाहिए, आपको मदद मिलती है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने के लिए। इससे भी ज़्यादा हो सकता है आपको लगे या आपको पता हो आपको क्या चाहिए, लेकिन शायद आपको अपने अंदर और भी ज़्यादा झांक कर देखना पड़े, डीपर देखना पड़े कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति लेखक था, उससे पूछा गया कि आप लेखक क्यों बने, तो उसने कहा मैं लेखक इसलिए बना क्यों, मेरे में शुरू से ही प्रतिभा थी अच्छा लिखने की। तो उन्होंने कहा, फिर साइकोलॉजिस्ट ने उससे फिर से सवाल किया कि फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप लेखक ही क्यों बने, तो उसने कहा मैं लेखक इसलिए बना क्योंकि मैं अच्छा लिखता था तो मैं लिखने लगा तो मैं लेखक बना। उन्होंने कहा और भी ज़्यादा अपने अंदर झांकिए और शुरू से बताइए आपने पहली बार कब लिखना शुरू किया। तो इस लेखक ने कहा कि जब मैं पहली बार कक्षा चौथी में था, फोर्थ क्लास में था, तो सभी बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया गया, तो सभी की तरह मैंने भी वो लिखा और मेरा निबंध क्लास टीचर को इतना पसंद आया, उसने प्रिंसिपल को दिखाया, प्रिंसिपल को इतना अच्छा लगा मेरा लिखा हुआ कि अगले दिन स्कूल की असेंबली में उन्होंने मेरा लिखा हुआ निबंध पढ़ा और सभी पूरे स्कूल ने, बच्चों ने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, सभी मेरी सराहना करी और मेरे लिए खूब ताली बजाई। तो इस बात से मुझे बहुत उत्साह मिला, मैंने और ज़्यादा लिखना और लिखा वो और पसंद किया गया, फिर और लिखा वो और पसंद किया गया, और उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा मैं लिखता जाऊँगा मुझे उतनी ज़्यादा सराहना मिलेगी, प्यार मिलेगा, और इस तरीके से मैं लेखक बन गया। तो ओरिजिनली जब उससे पहली बार पूछा था तो उसका जवाब क्या था कि मैं लेखक इसलिए बना क्योंकि मुझ में लिखने की प्रतिभा थी। प्रतिभा तो बाद में आई, लेकिन असल में वो लेखक क्यों बना, क्योंकि लिखने के द्वारा जब उसे प्यार मिला, प्रशंसा मिली और इतना सम्मान मिला, तो इसकी वजह से बेसिकली वो लेखक बना। और फिर आगे चलकर उसने बहुत सी ऐसी किताबें लिखी जिससे देश भर के अंदर में इस लेखक को बहुत ज़्यादा मान सम्मान व प्यार मिला। लेकिन अल्टीमेटली वो लेखक बना क्यों, वो क्या चाहता था, वो चाहता था मान सम्मान व प्यार। सो ऐसे ही आपको भी अपने अंदर डीपली देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उससे आपको हासिल क्या होगा। हो सकता है एक व्यक्ति जो आज एक पॉलिटिशियन है, वो बचपन में शायद ऐसा उसका बचपन गुजरा हो कि जब किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या अटेंशन उसको नहीं मिली, और जब अटेंशन नहीं मिली तो उसने ऐसा कोई कार्य में क्षेत्र में वो घुस गया कि आज 24 घंटे मीडिया और सारी चीज़ें उसके पीछे लगी रहती हैं या हर समय वो एक ध्यान का केंद्र या अटेंशन का केंद्र बना रहता है। फ्रीडम एंड पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फ्रीडम एंड पावर कम फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग अ प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। यानी फ्रीडम एंड पावर, आज़ादी और ताकत कब मिलती है, इसके दो हिस्से हैं। ए, पहले हमें ये पता हो हमें क्या चाहिए। नंबर वन, फ्रीडम यानी कि आज़ादी और ताकत कब मिलती है, जब पहले हमें ये पता हो हमें क्या चाहिए। बट एट द सेम टाइम, पर उसी समय, विदाउट बींग अ प्रिजनर टू वॉट यू वॉन्ट, यानी कि अपनी उस सोच के कैदी नहीं बनना। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे क्राउन बनना है, फॉर एग्जाम्पल, अब उसके दो तरीके हैं, राइट? अब उसको जल्दी क्राउन बनना है, जल्दी क्राउन बनना है, जल्दी क्राउन बनना है। अब अगर वो सिर्फ इस सोच का कैदी बन जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना सकता है, 6-8 लोग पकड़े, 2.5-3 लाख रुपए का उनको सामान खरीदवाया, उससे वो क्राउन बन जाएगा, एक बार लेवल मिल जाएगा, तमगा मिल जाएगा, एक बार चेक आएगा, लेकिन अगले महीने क्या होगा,
जी हाँ, अगले महीने शून्य से बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। तो इसमें क्या हुआ, उसकी जो वो चाहता था वो बन गया, लेकिन उसको फ्रीडम एंड पावर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो अपनी खुद की ही सोच का कैदी बन गया, जहां सही गलत का उसकी बुद्धि ने उसको फर्क बताना मना कर दिया, बंद कर दिया। मेरी पिछली कंपनी में, तकरीबन आज से 12 साल पुरानी बात होगी, जैसे भी यहाँ पिछले साल 5 करोड़ का क्लब लॉन्च किया गया, ऐसे मेरी पिछली कंपनी में लगभग 12 साल पहले एक लेवल रखा गया कि वो लेवल यदि कोई व्यक्ति हासिल करेगा तो उसमें कंपनी के पूरे साल का जो टर्नओवर होगा उसका 1% बटेगा। तो अंदाज़ा था वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए या होगा। सो उसमें ना अपनी 9 लाइनें करनी थी अब हाईएस्ट लेवल के ऊपर में, और वो एक्यूमुलेटिव प्लान नहीं था, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल है, जैसे सपोज 1,60,000 है, तो हर महीने उसे मेंटेन करना था 12 में से 9 महीने। सो एक मुश्किल कार्य था, और सिर्फ 1 साल का ही समय था, तो 12 में से 9 महीने, अगर 3 महीने के बाद एक भी महीने चूक हो गई तो उसमें चांस नहीं था। तो एनीवेज, एक शख्स थे उड़ीसा से, उसने क्या करना, उसने कुछ बैंक में अपनी कुछ सेटिंग बिठाई लोन डिपार्टमेंट में, और जिन लोगों और बहुत से लोगों को उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, और उसके बाद में वो उन लोगों के, उन जिनको वो कहता था नौकरी दिलाऊंगा, उनसे भी वो कुछ पैसे ले लेता था, उनके नाम पर वो लोन पास करा के प्रोडक्ट खरीद करके इकट्ठा उनको डायरेक्टर बना देता था। शुरू में 35-36 हज़ार रुपये का जो भी फर्स्ट मंथ का पेचेक आया बोला, अब 2-3 महीने तक वो कुछ नहीं कहते थे। तो ऐसे करके उसने अपनी कई लाइनें कुछ महीने तक मेंटेन करी, लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली अगर लोन लिया 1-2 महीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के वो रिकवर तो करना है, उसकी पेमेंट तो करनी है, पेमेंट जाएगी कहाँ से, उनको तो पता तक नहीं था कि उनके नाम पर लोन लिया गया है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उसने घपला करना शुरू किया, और वो घपला जो था वो लगभग 70-80 लाख के आसपास का घपला हुआ। ये व्यक्ति फिर जेल गया कई साल, कुछ आखिरी खबर मिलने तक जेल में था, जब मुझे लास्ट पता था, उसके बाद मुझे जानकारी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, गलती इंसान कब करता है, जब उसको जो चाहिए उसको पाने में वो इतना अंधा हो जाता है कि वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। ये तब होता है जब वो खुद ही अपनी सोच का कैदी बन जाता है। सो फ्रीडम एंड पावर, अल्टीमेटली आप जो लेवल हासिल करना चाहते हैं, जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, ताकि उससे आपको, आप को आज़ादी मिले, आज़ादी जीने की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी, यानी आपका जीवन बेहतर हो, और साथ साथ आप पावरफुल बने, पावर आपके पास आए अपने जीवन को बेहतर बनाने की। लेकिन ये होता तभी है जब हमें ये क्लियर हो हमें क्या चाहिए, पर हम खुद अपनी सोच के कैदी ना बने। एक और कारण है ये जानने का और ये बताने का कि आपको क्या चाहिए, जब आप डिक्लेयर कर देते हैं, जब आप सबको कह देते हैं कि मैं ये लेवल हासिल करूंगा, या मैं ये इनकम पर पहुंचूंगा, या मैं यहाँ पहुंचूंगा बहुत जल्दी, जब आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं, यानी सबको आप बता देते हैं, घोषणा कर देते हैं, उससे होता क्या है, उससे यूनिवर्स आपकी मदद करने लगता है उस चीज़ को प्राप्त करने में। हाथ खोल के बैठिए। यू में से हो सकता है आप कहें कि मैं अपना जो मेरे घर के ऊपर लोन है उसको पे करना चाहता हूँ, या उसको एक साथ पे ऑफ करना चाहता हूँ, राइट, या मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, बट सडनली एक ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन क्या आता है कि मैं तो इतने पैसे नहीं बनाता कि मैं वो इकट्ठा वो घर का लोन कैसे उतारूंगा, राइट, या अभी तक तो किसी ने ऐसा किया नहीं, या वो क्या सोचेंगे। ये ऑब्जेक्शंस कहाँ से आते हैं? हाँ जी, आप ही के अंदर से आते हैं। कभी ना कभी प्रेरणा वाली सोच भी हमारे अंदर से उत्पन्न होती है कि मैं ये करूं, ऐसा करूं, वैसा बनूं, ये हासिल करूं, यहाँ पहुंचूं, वहाँ पहुंचूं, ये करूं, और सेम टाइम जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी हमारे अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। मुख्य रूप से हम अपनी सोच को 2 भागों में बांट सकते हैं, एम्पावरिंग थॉट्स एंड डिसएम्पावरिंग थॉट। एम्पावरिंग थॉट्स का मतलब होता है जो हमारे को बल दें, हमारे को पावरफुल बनाए, हमें ताकतवर बनाए। जैसे मैं अगले साल डायमंड ट्रिप पर जाऊंगा, मैं आने वाले समय में जल्द ही मेरा फोटो भी वॉइस मैगजीन में आएगा, मैं भी लग्जरी कार बुक में या कार बुक में मेरी भी तस्वीर होगी, मैं भी एक कार लूँगा। ये सारे विचार अगर आप सोचेंगे, ये आपको पावर देंगे या आपको डाउन करेंगे? जी हाँ, पावर देंगे। इसलिए इन्हें कहा जाता है एम्पावरिंग थॉट्स, यानी कि जो आपको या बल प्रदान करे, तो बल प्रदान करने वाले विचार। और इसी का अपोजिट है डिसएम्पावरिंग थॉट्स।
डिसएम्पावरिंग थॉट्स कौन सी होती हैं? जो हमारी पावर को कम करते हैं, हमें डाउन करते हैं, जो हमारे बल को कम करते हैं, हमें नीचे लेकर जाते हैं। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं छोटी जगह से हूँ, मैं छोटे गाँव से हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये हैं सारे डिसएम्पावरिंग थॉट्स। तो ये एम्पावरिंग थॉट्स भी हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, डिसएम्पावरिंग थॉट्स भी हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, वो क्या करते हैं, वो अपने एम्पावरिंग थॉट्स को लगातार बढ़ावा देते हैं, और डिसएम्पावरिंग थॉट्स जब आता है तो उसे वो ख़त्म कर देते हैं या उसको वो बिल्कुल साथ नहीं होते। दो व्यक्तियों में यदि लड़ाई हो तो नॉर्मली वो जीतेगा जिसमें ज़्यादा बल होगा। सेम वे एम्पावरिंग विचार और डिसएम्पावरिंग विचार, बल प्रदान करने वाले विचार और बल छीनने वाले विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। इनमें से जीतेगा कौन? आप जिसके साथ हो जाओगे वो जीत जाएगा। अगर आप बल प्रदान करने वाले विचार के साथ हो जाओगे तो बल प्रदान करने वाले विचार जीतेंगे, आप बार बार उसी को दोहराओ, उसी पर विचार करो तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर आप बल कम करने वाले विचार के साथ हो गए तो वो बल कम करने वाले विचार जीत जाएंगे। तो ये किसको आप जिताओगे ये बेसिकली आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, नाउ इट्स आसान है ऑब्जेक्शंस के साथ आना, और ये सबके अंदर से उत्पन्न होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बड़ी चीज़ सोचता है तो प्रेरित होकर के, तो अगले ही पल या कुछ क्षणों के बाद में ये विचार ज़रूर उसे आता है कि यार ये कैसे होगा, या ये मुश्किल है, या जो भी, इसमें ट्रिक क्या है या सीक्रेट क्या है इन ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करना जब तक आप अंदर से पूरे क्लियर ना हो जाएं। जब आप अंदर से क्लियर हो जाएंगे, जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, या बल कम करने वाले विचार जब आप ख़त्म कर देंगे, तो जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करना काफ़ी सरल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एक महिला थी जो कि कैंसर से पीड़ित थी, और उसको ट्यूमर थे, और ट्यूमर ने वो कैंसर का रूप ले लिया था, और उसको ऑपरेशन ड्यू था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ये ट्यूमर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी पूरी शरीर में फैलता जाएगा। लेकिन उस महिला की समस्या ये थी कि उसको ऑपरेशन के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से इतना ज़्यादा डर लगता था कि डॉक्टर ने कहा कि मैं ऑपरेशन की डेट आपको कैसे दूं, आपको ऑपरेशन की हम टेबल पे डालें, थिएटर में ले जाएंगे, आप तो हार्ट अटैक से पहले मर जाओगे, बाकी कैंसर तो जब वो तो मारेगा, एक दो साल बाद मारेगा, आप तो वैसे मर जाओगे, तो हम आपको डेट ऑपरेशन की तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर जो ये मनोवैज्ञानिक डर जो बैठा हुआ है, मानसिक डर जो बैठा हुआ है, आप पहले इसको निकलवाइए। इसके लिए उस महिला की मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ले दी गई, और उनकी उस मनोचिकित्सक ने काफ़ी सारी उस महिला की दो तीन चार सिटिंग करी। तो उस सिटिंग में मनोचिकित्सक ने पूछा कि आपको इतना डर क्यों लगता है ऑपरेशन से और इन सब चीज़ों से। उसने फिर बताया कि जब मैं छोटी थी, 6 वर्ष की थी, तो मैं मेरी नानी के बहुत नज़दीक थी और मैं बहुत उनकी लाडली थी, और उस समय लगभग मेरी नानी को ऐसे ही एक बीमारी हुई, ट्यूमर हुआ, और उनको ऑपरेट करने के लिए या अस्पताल ले जाया गया, और ऑपरेशन थिएटर में जब वो गई लेकिन वो वापस नहीं आई, उनकी डेथ हो गई। तो तब से मेरे मन में ये डर बैठा हुआ है, और तब से मैं हमेशा से कहती थी कभी भी मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर से मेरा वास्ता ना पड़े। अब आज उसकी आयु लगभग 30-32 साल थी, तो पिछले 24-25 सालों से वो किस चीज़ को आकर्षित कर रही थी? जी हाँ, अस्पताल को और डॉक्टर्स को, कि अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर से मेरा वास्ता ना पड़े। अब मैंने आपको बताया था ना की तस्वीर नहीं होती, तो इस वजह से राइट उसको ये दिक्कत हुई। कोई बात नहीं, मनोचिकित्सक ने फिर उसको ट्रीट करने के लिए कहा कि देखिए, उस समय जबकि आप बात कर रही हो 26 साल पुरानी आप बात कर रही हैं, तब से लेके अब तक मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की करी है, और अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जिस बीमारी से आप, जो आपको है, उससे भी एक स्टेज की एडवांस बीमारी के बाद भी जो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने खुद ऐसे कुछ 4-5 पेशेंट्स की केस हिस्ट्री निकाली, उनको दिखाई, कुछ से उनकी बात कराई, और उनको ये विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, अगर ये हो गया तो आप वापस नहीं आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 5-6 सिटिंग्स जब उस मनोचिकित्सक ने उस महिला की करी, तो उस महिला का डर निकल गया जो कि ऑपरेशन को लेकर के या
ऑपरेशन थिएटर को लेकर के और अस्पताल डॉक्टर को लेकर के था। जब उसका डर निकल गया तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन की डेट दे दी। और जब ऑपरेशन की डेट मिल गई, जिस दिन उसका ऑपरेशन था उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर में लेके गए, डॉक्टर ने जब उनको खोला ऑपरेट करने के लिए तो डॉक्टर हैरान रह गए कि जो ट्यूमर जिसको निकालने के लिए उसको ऑपरेट करना था वो ट्यूमर था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अब पूरी की पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी वो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो उन्होंने उस चिकित्सक को बुलाया, और भी ज़्यादा जो वर्ल्ड के बड़े बड़े चिकित्सक थे उनको, जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया, और जब ये केस डिस्कस हुआ तो निष्कर्ष ये निकल करके आया कि जो डर था कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़े या डॉक्टर से ना मेरा वास्ता पड़े, उस डर की वजह से ये ट्यूमर आया था। और जब ये डर निकल गया, जो मुख्य कारण था इसके आने का, तो वो ट्यूमर ने भी ऑटोमेटिकली उसके शरीर को छोड़ दिया, बगैर किसी ऑपरेशन के ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो बेसिकली जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि हर समय हम उस चीज़ को अपनी ओर लगातार आकर्षित करते रहते हैं। सो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ए वुमन वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और उसका ऑपरेशन ड्यू था, वो इतनी डरती थी ऑपरेशन से और चाहती थी। इसके लिए उसको सलाह दी गई सेशन अटेंड करने की। जब डॉक्टर ने उनको खोला, कोई भी कैंसर या ट्यूमर उनको नहीं दिखा। क्या हुआ? हमारे बिलीफ या विश्वास इतने पावरफुल होते हैं। उस महिला को जब ये विश्वास आ गया कि जो डर जिसकी वजह से ये सब हुआ था वो डर हट गया, तो ऑटोमेटिकली कैंसर ने उसका घर छोड़ दिया। उसने क्या किया? कॉन्शियस, जानबूझ करके अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और स्पेशली अपने नेगेटिव बिलीफ्स का। बिलीफ यानी कि विश्वास। विश्वास क्या चीज़ है? देखिए, एक है सोच। जो सोच को हम पक्की कर लेते हैं वो बन जाता है हमारा बिलीफ सिस्टम या हमारा विश्वास, राइट? और हम जैसा हमारा विश्वास होता है वही बनती है हमारे जीवन की रियलिटी या सच्चाई। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। आज से लगभग 14-15 वर्ष पुरानी बात होगी, मैं अपनी पिछली कंपनी में था तब। लोकेश सेठी जी जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इस बिज़नेस से पहले भी। सो एक बार मैं ऑफिस में गया और मैं उनसे मिला, हैंडशेक कर हाथ मिलाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा भाई मेरे से दूर रहो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी आँखें आई हुई हैं। आँखें आना आप समझते हैं? आई फ्लू भी बोलते हैं देसी भाषा में, तो आँख आना ही बोलते हैं, अंजनी भी बोलते हैं, तो जो भी बोले उसमें आँखें लाल हो जाती हैं। और उसमें ऐसी धारणा है कि जिस किसी व्यक्ति को अगर वो हो जाए, आप उसके टच में रहेंगे तो वो इन्फेक्शन आप में भी आ जाता है। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप मेरे से दूर रहो, इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा। मैंने कहा ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? और मैं लगभग उसके साथ वैसे ही रहा जैसे मैं रहता हूँ, और बल्कि मैंने उसको ये और कहा था कि मेरी एनर्जी तेरी एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, बल्कि तू मेरे साथ रहेगा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तो मुझे तो कुछ होने से रहा। थोड़ी देर के बाद में, आधे एक घंटे के बाद में, एक लेडी लीडर होती थी जो कि पेशे से डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर थी। सो थोड़ी देर बाद वो आई, और जैसे ही उन्हें पता लगा कि लोकेश जी को आई फ्लू हुआ हुआ है या इनकी आँख आई हुई हैं, तो वो उनको बोली सर मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर रहना। वो पूरे दिन यही बोलती रही, सर मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अब एक दो बार बोला, जब उसने ज़्यादा बोला तो वो भी मजाक के तौर पर उसके सामने एक दो बार गया, लेकिन वो दूर से ही उसको देख के भाग रही थी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। दो दिन के बाद में एक इवेंट था हमारा, काफ़ी बड़ी ट्रेनिंग थी, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, थोड़ा सा जल्दी आ गया था, तो बाकी लोग आ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो डॉक्टर मैडम आ रही थी काला चश्मा पहन के, क्योंकि उनको आई फ्लू हो गया था, राइट? अब उनको आई फ्लू क्यों हुआ जबकि वो तो उसके संपर्क में नहीं आई, और मुझे क्यों नहीं हुआ जबकि दिन भर मैं उसके संपर्क में था, मैं तो सबसे ज़्यादा उसके संपर्क में था। क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होता है वैसी हम उम्मीद करते हैं, जैसी हम उम्मीद करते हैं बार बार उसी चीज़ों को, उस चीज़ को या सिचुएशन को लाइफ में, हम अपने जीवन में खुद ही स्वयं ही आकर्षित कर लेते हैं, राइट? जैसे किसी की धारणा है, देखिए कि अगर पीछे से आप टोक दो तो काम नहीं होता, तो काम जाए तो पीछे से नहीं टोकना। तो जनरली देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब ये व्यक्ति कहीं जा रहा है, किसी ने टोक दिया, वो क्या कहता है अब यार मेरा काम नहीं हुआ, तो वो उम्मीद क्या करता है? काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। ये वो मन में वो ये धारणा मान लेता है, और वो उसके बाद या तो काम पे जाएगा नहीं, जाएगा जाता भी है तो अनमने मन से जाता है, लेकिन मन में वो क्या बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। और फिर वो काम नहीं होता, तो इससे होता क्या है, ये विश्वास उसका और भी ज़्यादा गहरा जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि अब उसने टोक दिया, मेरा काम नहीं होगा। सो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, राइट, जिसको सिर्फ और सिर्फ यही तोड़ सकता है।
और कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, राइट, फलाने दिन ये नहीं खाना चाहिए, उस दिन ये नहीं करना चाहिए, ऐसी अनगिनत चीजें हैं, राइट। बिल्ली रास्ता काट गई, अब जो इस बात को मानता है उसकी देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो उम्मीद करने लगता है आप कुछ बुरा होगा, आप कुछ बुरा होगा, आप कुछ बुरा होगा, वो इमीडिएटली उस चीज को अट्रैक्ट करने लगता है। और जब वो उसको खुद ही आकर्षित कर रहा है तो वो तो उसके साथ होना ही होना है, और इस बात से उसका जो ये अंधविश्वास है वो और भी ज्यादा गहरा जाता है। एक चीज आप समझिए, अपने जो भी आपके विचार हैं उसके क्रिएटर कौन है? बिल्कुल, आप अपने विचार के खुद क्रिएटर हैं, किसी कोई और आपके विचार का क्रिएटर नहीं है। जब आप उसके क्रिएटर हैं तो उसको खत्म कौन कर सकता है? आप कर सकते हो, उसको बढ़ावा भी आप ही देते हो। तो जो विचार आपको आगे बढ़ाते हैं, एम्पावरिंग बिलीफ, उसको आप, बहुत अच्छी बात है, पकड़िए और उसको बढ़ाइए। लेकिन जो विचार आपको रोकते हैं, उसको आप कहीं से भी आपको पीछे खींचते हैं, उन सारे विचारों को आपने छोड़ना है, राइट। ये है लाइफ के अंदर में गेम। सो